Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. So today's topic is about the vernacular architecture. देखो टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन हम इसको जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे. एंड इट इज हैविंग अराउंड 43 स्लाइड्स. टॉपिक लंबा हो सकता है, लेकिन उसको मैं जल्दी जल्दी इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट. देखो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, जो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोले जाते हैं, देर आर टोटल 7 इन नंबर, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी है. ठीक है, साथ के साथ ही अभी एक नया कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, लेकिन उसको अभी आने में कई साल लग जाएंगे टेक्स्ट बुक्स में, तो अभी हम साथ लेकर चलेंगे. तो अगर हम लोग जी नोटिस करें कि कहीं ना कहीं पर जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट क्लाइमेट. ठीक है, सबका क्लाइमेट अलग होता है, कंडीशन अलग है, नीड अलग है. अभी पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मतलब होता है वर्नेकुलर का, कैसे कैसे आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करता है. शायद आपको मेरी आवाज़ रिपीट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इको है, मैं एक रूम में बैठ कर बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैनेज कर लो यार. तो देखो अगर एशिया के बारे में बात करें, एशिया का टाइप डिफरेंट है, साउथ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एशिया ही ऐसा है. इट कैन बी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट इन अ सेम कॉन्टिनेंट. अगर आप इंडिया की बात करोगे तो आप नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाओगे तो हिमालयन स्टेट्स हैं. टोटल कितने स्टेट्स हैं? 11 स्टेट्स को बोला जाता है हिमालयन स्टेट, साथ नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम प्लस जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड. तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, पंजाब हरियाणा का अलग है, फिर आप यूपी की तरफ आते हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है. सो इट इज़ अ पॉसिबल कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मिल सकती हैं आपको एक छोटे रीजन में भी. ठीक है, अगर हम लोग पूरी अपनी अर्थ के बारे में बात करें, तो यहाँ से हमारा इक्वेटर पास होता है, लाइक इस तरह से इक्वेटर पास होता है, इट इज पासिंग लाइक दिस. यहाँ से पास होता है, यहाँ पर मालदीव से पास होता है अपने इंडिया की तरफ से, और यहाँ पर होता हुआ जाता है ब्राज़ील की जो अमेजोन रिवर है वहाँ की, यहाँ पर पास होता है जहाँ पर रिवर उसका डेल्टा बनता है. देखो ये 20-30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है? सन इसी एरिया में ऑक्सीलेट करता है, मतलब दिस रीजन इज कॉल्ड एज सरप्लस, मतलब हीट सरप्लस. यहाँ पर गर्मी ही होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ठंड कम होगी. उसके ऊपर ये 30 डिग्री से लेके 60 नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ऐसे ही 30 साउथ से लेके 60 साउथ की तरफ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है मिड लैटिट्यूड्स या टेम्परेट. ठीक है, और उसके ऊपर जाते हैं इसको बोला जाता है फ्रीज जोन, ठंडा इलाका. ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें जीरो इक्वेटर है, 23.5, इसको ओवरऑल 30 मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, देन टेम्परेट, देन पोलार जोन, ठंडा एरिया होता है. अब हम बात करते हैं कि मेजर क्लाइमेटिक जोन्स क्या हैं. तो क्योंकि आपको अगर वर्नेकुलर आर्किटेक्चर पढ़ना है ना, समझना है, उसके लिए हमें थोड़ा क्लाइमेटिक जोन के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि कैसे कैसे क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं जो डालते हैं. ठीक है, अब एक जैसा आता है कि ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन का मतलब बताया मैंने आपको, इक्वेटर के पास का रीजन होता है 25-30 डिग्री नॉर्थ एंड इतना ही साउथ की तरफ, टू बी एक्यूरेट 23.5. क्यों है? क्योंकि हमारी जो एक्सिस है अर्थ इतनी टिल्टेड है. सिंस डायरेक्ट रे ऑफ सन फॉल थ्रू आउट द ईयर इन दिस जोन, देयरफॉर इट इज अ टेम्परेट जोन. नो, इट इज अ ट्रॉपिकल जोन, ये गलत लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज अ ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, फिर आता है सब ट्रॉपिकल जोन. साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल. नॉर्दर्न ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, इट इज स्लाइटली टेम्परेट जोन. कौन सी बात चल रही है? इस वाले रीजन की बात चल रही है, टेम्परेट जोन की. ठीक है, ये वाला जो रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन होता है, उसके ऊपर जाते हैं तो पोलार जोन होता है. पोलार जोन मतलब ये वाला जोन जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, इसको बोला जाता है परमा फ्रॉस्ट, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है परमानेंटली फ्रॉस्ट में रहती है, ठंडी रहती, जमी हुई रहती है, इसको बोलते हैं पोलार जोन. साउथ पोलार जोन लाइज बिटवीन अंटार्कटिका सर्कल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल जोन पोलर जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. डे एंड नाइट आर ऑफ 6 मंथ्स हेयर. अब ये 6 महीने का दिन, ये 6 महीने की रात कैसी होती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन. और अभी टाइम कम है, और मोस्ट प्रॉब्ली देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो आपको बता दूंगा कि सन कैसे मूव करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ईस्ट वेस्ट वाला जो आता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ में, तो देखते हैं. चलो खैर, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए. ये रहा ओवरऑल जो हमारी अर्थ डिवाइड होती है ट्रॉपिकल जोन में. ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पर गर्मी पड़ने वाली है. डिटेल में और भी जा सकते हैं, ऐसे ही कोपन्स क्लासिफिकेशन आती है, त्रिवंता क्लासिफिकेशन आती है, वो आपने पढ़ लेना, अभी एनसीईआरटी के अंदर होगा, 11th 12th क्लास के एनसीईआरटी में सब कुछ डिस्कस किया गया है ज्योग्राफी में.
तो अगर देखा जाए ट्रॉपिकल का, उनका मानना ये था कोपन्स क्लासिफिकेशन का कि ट्रॉपिकल जोन ऐसा जोन है जहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे कभी जाता ही नहीं है, मतलब द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेट का होता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करें ओवरऑल अपने इंडिया के हिसाब से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अपना जो इंडिया है ये यहाँ पर कौन सा किस रीजन में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। देखो अगर हम बात करें ब्लू वाला उठाते हैं, तो मैंने आपको बताया था देर आर 11 हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन मतलब जहां पर हिमालय की घाटियां या पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने हैं, इनको बोला जाता है 11, क्यों 7 तो हो गए नॉर्थ ईस्ट, ये हिमालय से ही पूर्वांचल रेंज काउंट होती है, यहाँ पर एक सिक्किम, तो टोटल हो गए 8 और ये 9 और ये 10 एंड दिस लास्ट वन इज 11। अब जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग है, मतलब जम्मू लद्दाख, लेकिन आप समझो 11 हिमालयन स्टेट्स कैसा क्या मतलब है। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, अच्छी खासी बर्फ पड़ती है, ठंड होती है, ठीक है। अगर हम बात करें जो कुछ रीजन ऐसे होते हैं इंडिया में, टोटली ट्रॉपिकल लैंड में पड़ता है इंडिया, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जैसे जहां पर हिली रीजन होता है, दैट इज नीलगिरी साउथ इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं, तो अगर हाइट पर ऊपर जाते हो तो ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें बोला जाता है टेम्परेट, ठीक है। फिर आता है कंपोजिट, कंपोजिट मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, समर्स और विंटर्स भी वहां पर देखने को मिलेंगे। जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है कंपोजिट मतलब ये वाला कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट भी बोलते हैं, जैसे दिल्ली का आप देखो यहाँ पर गर्मी होती है तो 45-48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठंड होती है तो 1 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचता है, तो बोलते हैं कंपोजिट। फिर एक होता है और जो ये वाला है वार्म ह्यूमिड, जो ये कोस्टल रीजन वाला है, दिस पार्ट जो ये है, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, ये कैसा है, वार्म भी है और ह्यूमिड भी है, इस तरीके गर्मी रहेगी और ह्यूमिड रहेगा। ह्यूमिड क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोस्टल रीजन है, तो वहां की जो विंड चलती है उसको वो ह्यूमिड बना के रखती हैं, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है, जो रेड वाला रीजन है, इसको बोला जाता है, इस यहां तक लेके चलो, इसको नीचे भी लेके चल सकते हैं, अरिड रीजन, ठीक है। हॉट एंड ड्राई, हॉट गर्म होगा और सूखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इवोपरेशन बिल्कुल भी, इवोपरेशन सबसे ज्यादा होती है और रेनफॉल बहुत कम होती है। अगर आप राजस्थान जाएंगे तो आपको सूखी गर्मी पड़ेगी, ठीक है। अभी जैसा आप वीडियो देख रहे हैं, आपने से नोटिस किया होगा कि अभी कौन सा टेम्परेचर चल रहा है, इट इज वार्म एंड ह्यूमिड। दिल्ली के अंदर भी आप देखते हो कि एसी ना चलाओ या फिर ठंडा ना रहे तो एकदम से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज अभी का जो है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि वर्नेकुलर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। बेसिक चीज समझ में आ गई होगी आपको, टेम्परेट ट्रॉपिकल, ये बहुत बेसिक चीज है। आई नो कि इसको समझाने के लिए इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 क्लासेस। अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को और इतनी अच्छी तरीके से, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। तो अगर हम देखें वर्नेकुलर आर्किटेक्चर क्या होता है, वर्नेकुलर आर्किटेक्चर का मतलब होता है, द वर्ड वर्नेकुलर ड्राइव फ्रॉम द वर्नेकुलस, एक वर्ड है उसका मतलब होता है नेटिव, मतलब लोकल, जैसा बोलते हैं नेटिव स्पीसीज है। जर्मन शेफर्ड के जो डॉग हैं कहाँ के हैं, वे जर्मनी के हैं, तो उनको बोला जाएगा वर्नेकुलर स्पीसीज है या फिर नेटिव स्पीसीज है, ठीक है। सो हेंस वर्नेकुलर आर्किटेक्चर या नेटिव साइंस ऑफ बिल्डिंग। अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्नेकुलर आर्किटेक्चर, इट इज अ नेटिव साइंस ऑफ बिल्डिंग, कि आप ऐसा डिजाइन करते हो, ऐसा आर्किटेक्चर जो नेटिव है, जो उस लोकल एरिया के लिए परफेक्ट है या उनके साथ धीमे धीमे इवॉल्व हुआ है, उसको बोला जाएगा वर्नेकुलर आर्किटेक्चर। द टर्म वर्नेकुलर आर्किटेक्चर इन जनरल रिफर्स टू द इनफॉर्मल बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू ट्रेडिशनल बिल्डिंग मेथड, मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनफॉर्मल बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ फॉर्मुलेज नहीं होंगे कि आपको ये करना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं इनफॉर्मल है, मतलब एज आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। थ्रू ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल मेथड्स, एक जो पुराने परंपरागत चलते हुए जो मेथड रहे उन्हीं को फोकस किया जाता है बाय लोकल बिल्डर्स। ऐसा नहीं होगा कि सीओ का लाइसेंस है तभी बना पाओगे, नॉर्मली लोग खुद बना लेते हैं। जैसा आपने देखा ना चिड़िया जो अपना घर बनाती है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है वर्नेकुलर आर्किटेक्चर का उनके हिसाब से, ठीक है। विदाउट यूजिंग द सर्विस ऑफ ए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ बिल्डिंग। अगर आप पूछेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा आर्किटेक्चर चलता है, तो इट इज नॉट द मॉडर्न, इट इज द वर्नेकुलर आर्किटेक्चर। अगर हम ओवरऑल के बारे में बात करें, द बिल्डर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर अनस्कोल्ड इन ए फॉर्मल आर्किटेक्चुरल डिजाइन एंड देयर वर्क रिफ्लेक्ट द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द इंडस क्लाइमेट। तो जो काम करते हैं ऐसे जो लोग होते हैं, उनका ऐसी कोई डिग्री नहीं है उनके पास, वो अपने उस लोकल एरिया के हिसाब से काम करते हैं, तो यू विल सी द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द क्लाइमेट, इंडियस क्लाइमेट। तो उनके हिसाब से क्या होगा, मटेरियल भी डिफरेंट होंगे, और अगर मटेरियल डिफरेंट होंगे तो इंटीग्रेट वेरिएशन इन सोशल कस्टम एंड क्राफ्ट में, और एक डिफिकल्ट सा कल्चर भी होता है कि लोग कस्टम कल्चर सोशल इश्यूज भी होते हैं, तो उनको काफी कुछ मिला जुला के हमारा एक वर्नेकुलर आर्किटेक्चर तैयार होता है।
अब हम अगर बात करें कि कौन कौन से टाइप के आर्किटेक्चर कैसे कैसा होगा, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि फर्स्ट वी चेक दी क्लाइमेटिक कंडीशंस, और क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम लोग फोकस करें कि उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या नीड है। देखो कोई भी वर्नेकुलर आर्किटेक्चर होगा वो एक तो होगा कि उस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके पास, ये चीज मैटर करेगी। दूसरी चीज मैटर करेगी कि क्या उनसे मटेरियल अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है कि वहां पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या कंडीशंस अवेलेबल है। होट एंड ड्राई में सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आएगी, क्योंकि आपको पानी सेव करना पड़ेगा, यू नीड टू सेव द वॉटर। तो वहां पर क्या होगा, आपको ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए होगा, ऐसी बिल्डिंग चाहिए होगी जहां पर पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो। ठीक है, होट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब हम लोग देखते हैं, दिस जोन लाइज इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न मतलब गुजरात, राजस्थान, और सेंट्रल पार्ट मध्य प्रदेश, और कुछ रीजन है जहां पर जैसलमेर आगे, जोधपुर आगे। दिस रीजन इज यूजली फ्लैट, जो ये रीजन होता है नॉर्मली फ्लैट होता है, सैंडी होता है, रेतीला होता है, रॉक ग्राउंड विद स्पेयर स्पार्स वेजिटेशन ऑफ कैक्टस थ्रॉन्स बुशेस। वहां पर आपको कोई प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे, कैक्टस देखने को मिलेंगे, और इनको बोला जाता है जीरो फाइट्स। अगर ये नाम आपको आता है याद रखना, जीरो फाइट्स, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है। वाटर लेवल इज वेरी लो हेयर, तो जो पानी का जो लेवल है वो काफी कम है। द डायूर्नल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डायूर्नल का मतलब होता है एक दिन में जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको बोलते हैं डायूर्नल टेम्परेचर डिफरेंसेस। मतलब क्या है, अगर आप ऐसे रीजन में जाओगे तो दिन का जो टाइम होगा इट विल बी अराउंड 40-48 डिग्री सेंटीग्रेड, और शाम तक आते आते 12-15 तक पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं कि एक दिन में कितना चेंज हुआ है, डायूर्नल वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, इक्वेटर पर सबसे कम होता है, और जितना पोलर रीजन की तरफ जाओगे वहां बढ़ता चला जाता है। फिर आता है द क्लाइमेट इज ड्राई बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज जनरली वेरी लो। तो अगर बात आती है कि जो क्लाइमेट है ना वो काफी ड्राई है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, रेनफॉल वहां होती ही नहीं है। अब वहां क्यों नहीं होती है राजस्थान में, तो मैंने वीडियो बनाई थी एक मानसून के ऊपर, उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगी। अभी मतलब मत देखो, टाइम कम है आपके पास। द हॉट एंड ड्राई रीजन रिसीव लेस रेनफॉल, दी एनुअल पार्टिसिपेशन बींग लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम का होता है, उसको बोला जाता है कि ड्राई रीजन में आते हैं। हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर एंड सैंड स्टॉर्म्स आर ऑल्सो सीन, गर्म हवाएं चलती हैं और सैंड स्टॉर्म्स भी आते हैं, रेतीले तूफान भी आते हैं। दी एब्जॉर्ब रेडिएशन आर डिसिपेटेड टू एटमोसफेयर एट द नाइट। ठीक है, अब वहां पर क्या देखने को मिलेगा, मड हट ऑफ राजस्थान, आप ये ऐसा कुछ आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो हीट पड़ती है उसको नीचे नहीं जाने देता, इट्स प्रोवाइड द इंसुलेशन, और काफी अंधेरा सा बनाया जाता है। आपने नोटिस करा है यहाँ पर कोई डोर, यहाँ पर ऐसा विंडोज नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि अगर विंडो बनाओगे तो हवाएं आएंगी, सैंडी डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे, उसको गर्म कर देंगे। ठीक है, और तरह के देखते हैं, ड्यू टू लो वाटर लेवल एंड स्पेयर्स वेजिटेशन द हाउसेज आर मेड यूजिंग ट्विग्स मड क्ले एंड स्टोन, तो थोड़े मोटे बनाए जाते हैं जिससे थर्मल इंसुलेशन ज्यादा हो। द एयर इज कूल एट नाइट, और रात के टाइम पीरियड में हवा जो होती है ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब वार्म का मतलब क्या है कि ओवरऑल टेम्परेचर गर्म है, और ह्यूमिड का मतलब क्या है कि ह्यूमिड है, उसके अंदर आपकी नमी है, मॉइस्चर है क्लाइमेट में। द वार्म एंड ह्यूमिड जोन कवर्स द कोस्टल रीजन, तो आपको जैसा बताया था कि कोस्टल रीजन होंगे या फिर नदी वाला जो रीजन होगा, रिवर वाला, लेक के आसपास का रीजन भी आपको कोस्टल रीजन वाला देखने को मिल जाएगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लाइज अंडर दिस रीजन। और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, गोवा हो सकता है। ठीक है, और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, ये पूरा अपना इंडिया का आप ये मान के चलो, जो ये अपना जो नीचे वाला पार्ट है साउथ इंडिया का, ये पूरा का पूरा यहाँ पर वही आता है, कोस्टल रीजन आता है, वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। दी हाई ह्यूमिडिटी एनकरेजेस अबंडेंट वेजिटेशन, अब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वहां पर ये एनकरेज करते हैं कि वेजिटेशन बहुत ज्यादा हो, तो आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। द मेन डिजाइन क्राइटेरिया इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन आर टू रिड्यूस हीट गेन बाय प्रोवाइडिंग शेडिंग, तो सबसे बड़े टारगेट होता है ऐसे आर्किटेक्चर में, ऐसी जगह पर एक ऐसा आर्किटेक्चर इवॉल्व करना है जो हीट, क्योंकि वहां पर वार्म ऑलरेडी है, तो एक ऐसा जहां पर शेडिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सके और वहां पर सनलाइट डायरेक्टली ना पहुंचे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, दैट इज 70-90% इन अ ईयर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, वहां पर लेना क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो केरला के अंदर आपको हाउस बोट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के मड हाउसेज देखने को मिलेंगे, इस तरह के आपको वर्नेकुलर आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या फीचर्स होते हैं पढ़ते हैं, हेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स आर कॉमन, तो वहां पर क्या होते हैं, चक्रवात या फिर साइक्लोन्स आते हैं जिनकी स्पीड 45-70 मीटर पर सेकेंड होती है।
हाई सोल्ट कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर, कोरोजिव बिल्डिंग मटेरियल। अब जो समुद्र के किनारे होते हैं तो वहाँ पर नमक भी पाई जाती है, सोल्टी होता है, तो ये क्या करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको जल्दी डैमेज कर देते हैं। सो वेजिटेशन इज लाइटर ग्रीन कलर एज पर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे ना कितना हरा भरा है, यहाँ पर देखो कितना हरा भरा है। द मोस्ट पार्ट ऑफ द जोन समर विल बी रेनी। और नॉर्मली क्या होता है, समर्स में बारिश देखी जाती है। फिर आता है मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या है, द टेम्परेट क्लाइमेट हैज माइल्ड टू वार्म समर्स। ठीक है, मॉडरेट मतलब नॉर्मल सा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइल्ड से लेके वार्म तक समर होंगे, कूल विंटर्स होंगे, कोल्ड ठंड विंटर्स नहीं है, नॉर्मल है, ठंडे विंटर्स होंगे। द नीड ऑफ विंटर होम हीटिंग इज ग्रेटर देन द नीड ऑफ समर कूलिंग। ऐसे जगह पर आपको एरिया को गर्म करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रादर देन उस एरिया को ठंडा करने में। मतलब जब विंटर्स होते हैं तो मेन प्रॉब्लम होती है कि उस एरिया को गर्म कैसे करा जाए, रादर देन टू मेक दी कूल इन समर। इट इज रिलेटिवली कंफर्टेबल क्लाइमेट, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको, कंफर्टेबल क्लाइमेट माना जाता है, स्पेशली नियर दी कोस्ट वेयर समर्स आर कूलर एंड विंटर्स वार्मर देन दी फर्दर इनलैंड। तो आपने देखा होगा मुंबई के में, गोवा में जाकर वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर विंटर्स में जाओगे तो टेम्परेचर भी आपको अच्छा खासा एक कंफर्टेबल मिल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। अब इन द माउंटेन ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विंटर्स आर कोल्ड एंड ह्यूम समर्स आर प्लेजेंट माइल्ड। फ्यू ओपनिंग ऑन एक्सटर्नल साइड अदर देन द डोर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यू ओपनिंग ऑन एक्सटर्नल साइड देन अदर देन द डोर, ज्यादा ओपनिंग नहीं होगी। कुकिंग एंड स्लीपिंग आउटडोर इन समर वर एज इन इन साइड द विंटर्स। तो खाना जो बनाना होता है वो बाहर की तरफ बनाते हैं समर्स में, और अंदर बनाते हैं विंटर्स में, है ना। कुकिंग एंड स्लीपिंग आउटडोर इन समर्स वर एज इन साइड इन विंटर्स। अब हम बात करते हैं मॉडरेट जोन। तो मॉडरेट जोन के अंदर एग्जाम्पल आता है बैंगलोर का। तो बैंगलोर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आता है बैंगलोर, इससे के पास, ठीक है, लगभग सेंटर ही पड़ता है। लोंगिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, 92 मीटर अबव है सी मीटर, सी लेवल से। फिर आता है कंपोजिट क्लाइमेट। कंपोजिट क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, द कंपोजिट जोन कवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्मली जो मध्यम भारत है उसको कवर करता है। सिटीज लाइक अलाहाबाद दैट इज प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट। अब वेरिएबल लैंडस्केप एंड सीजनल वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक दिस जोन। मतलब आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी, विंटर्स होगी तो बहुत ठंड होगी, रेनफॉल होगी तो अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट क्लाइमेट। कैसा होता है, इस तरह का। तो यहाँ पर कुछ जगह पर टोडा हट्स बनाई जाती हैं, ऐसी कुछ हट्स बनाई जाती हैं, देखेंगे अभी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं झारखंड का। सो झारखंड के अंदर क्या है, द प्राइमरी एलिमेंट वॉज अ सिंगल इंटीरियर लिविंग स्पेस। तो वहां पर क्या है, एक सिंगल एक स्पेस है, यहाँ पर सब लोग वहीं रहते हैं। विच मे हैव बीन सब डिवाइडेड मल्टीप्लाइड और अदरवाइज मॉडिफाइड। एक बड़ा सा हॉल बना दिया, उसके अंदर कुछ पार्टीशन वगैरह बना सकते हैं अभी। सेकेंड, एन एक्सटर्नल स्पेस एडजस्टेंट टू और सराउंडेड बाय द ड्वेलिंग वर्स एम्फेसाइज बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्स सच एज लो प्लेटफॉर्म और वारंडाज। तो यहाँ पर आपको लो प्लेटफॉर्म मिलेंगे और वारंडा देखने को मिलेगा। एन एवरेज हट मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मीटर लॉन्ग और 3 से लेकर 4 मीटर तक। मतलब जो ये होगा 6 मीटर होगा और जो ये वाला जो विड्थ होगी इसकी 3 मीटर होगी। दिस हट्स वर अरेंज इन अ लीनियर पैटर्न अलॉन्ग द मेन स्ट्रीट ऑफ ए विलेज यूजली एडमिस्ट अ ग्रुप ऑफ द बैम्बू ट्रीज। द हाउस वर नॉर्मली सराउंडेड बाई द फेंस मेड ऑफ बैम्बू। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बैम्बू से कुछ फेंस बना देते हैं, शब्स डाल दिए जाते हैं, ट्विंग्स होती हैं, देन डिफाइन द बाउंड्री बिटवीन द पब्लिक स्ट्रीट एंड द सेम पब्लिक कोर्ट यार्ड एरिया इन द फ्रंट एंड द रियर ऑफ द हट। तो थोड़ा सा अपने एरिया को डाइवर्ट करने के लिए कि ये मेरा पर्सनल स्पेसिस है और ये पब्लिक स्पेसिस है, तो बैम्बू उम्बू बना के शब्स डाल के या क्लाइंबर से कर देते हैं। ठीक है, दिस ओपन टू स्काई कोर्ट यार्ड एक्टेड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द डे इन विंटर, ड्यूरिंग द डे इन विंटर एंड द इवनिंग इन समर। मोस्ट डे टू डे एक्टिविटीज अकर्ड इन दिस स्पेस। ऑफन देयर वॉज द वेल इन दिस कोर्ट यार्ड दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जाए, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये स्पेस बना दिया गया, इसके चारों तरफ फ्लॉ स्पेस का बना दिया। इसको हम ज़्यादा डिस्कस एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, इतना अभी उस टाइम है नहीं। तो जब हमने डिस्कस किया बैम्बू शब्स बना दिया, तो जो ये वाला स्पेस है ये क्या हो गया, इनका प्राइवेट स्पेस हो गया, और जो बाहर वाला जो होगा पब्लिक स्पेसेस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम रहने देते हैं फिलहाल के लिए। सो दी हट नॉर्मली हैड मिनिमल फेनिस्ट्रेशन। ऑफन दी ओनली ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल वॉल वॉज द मेन डोर। सम हाउसेज हैड विंडोज। कुछ जगह पर आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगी जहां पर विंडोज भी होगी, लेकिन नॉर्मली वो लोग अपना डोर के रखते हैं। देवर स्मॉल एंड प्लेस्ड हाइट टू वेंटिलेट द इंडोर वाइल एट द सेम टाइम एक्टिंग एज अ विजुअल बैरियर फॉर द प्राइवेट स्पेसेस। तो अगर विंडोज बनाई भी जाती हैं तो थोड़ा हाइट पर जगह बनाई जाती हैं,
सो दैट कि वेंटिलेशन तो हो जाए लेकिन प्राइवेसी खत्म ना हो। अब विजुअल बैरियर फॉर द प्राइवेट स्पेस, द स्मॉल विंडोज ऑल्सो सर्व टू कीप दी हॉट समर सन एंड कोल्ड विंटर्स। ठीक है, फिर हम आते हैं कोल्ड क्लाइमेट के ऊपर। कोल्ड क्लाइमेट क्या हो सकता है? एक हो सकता है ठंडा, लेकिन ठंडा तो है पर सन अवेलेबल है इजिली। दूसरा हो सकता है कोल्ड है लेकिन क्लाउडी भी है, सन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर हम बात करें कोल्ड एंड सनी, मतलब धूप भी पड़ती है लेकिन ठंड भी होती है, दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन लेह। तो आपको ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा लेह में देखने के लिए। दिस वहां पर क्या ठंड होती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। द रीजन इज माउंटेनियस एंड लिटिल वेजिटेशन कंसिडर्ड एज ए कोल्ड डेजर्ट। तो इसके लिए हम उसको ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? मरुस्थल बोलते हैं, एक ऐसा जगह जहां पर कोई भी जाएगा मर जाएगा, तो उसको बोलते हैं मरुस्थल। वहां पर जाने के बाद मर जाएगा तो उसको बोलते हैं मरुस्थल। इट कैन बी हॉट, इट कैन बी कोल्ड। हॉट कहाँ सा हो गया? जैसलमेर वाला पार्ट। कोल्ड क्या होगा? ले वाला पार्ट। द सोलर रेडिएशन इज जनरली इंटेंस विद वेरी लो परसेंटेज ऑफ द डिफ्यूज रेडिएशन। वहां पर ऐसा भी होता है, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लेह का। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका ये हाथ ऐसा गया और आप यहाँ किस छज्जा आपको मैंने बताया क्या होता है, और सनलाइट आपको यहाँ पर पड़ रही है। मान लीजिए आपके हाथ पर यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, आपका ये जो हाथ होगा ना ये जल जाएगा एकदम से, आपका इसलिए बहुत हीट है, और जबकि आपका वाला टेम्परेचर जो होगा ठंडा होगा यहाँ पर। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, एटमोसफेयर बहुत ही रेयर है, डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है। जहाँ पर सनलाइट पड़ेगी उसको गर्म कर देगा, पर डिफ्यूज लाइट कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे द बिल्डिंग इज एन इनोवेटिव आर्किटिकुलेशन ऑफ द मटेरियल लाइक द स्टोन बडी क्ले इन लद्दाख। हाउसेज आर वेरी क्लोज टू इच अदर। तो क्या करते हैं, जो लद्दाख के अंदर आप देखो घर पास पास बनाए जाते हैं। ठीक है, कितना पास पास बनाए गए हैं, मड एंड क्ले हाउस इन लद्दाख रीजन के अंदर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। फिर आता है फ्लोरा एंड फोना। तो द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड इज द हॉप हॉप एंड द इंडियन रेड स्टार्ट। तो ये भी माइग्रेट कर जाती हैं। अदर माइग्रेटरी माइग्रेट क्यों करती हैं? क्योंकि जब विंटर्स होती है ना वहाँ पर कुछ होता नहीं खाने पीने के लिए, तो क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग माइग्रेट करने लगे हैं, अपने साथ देखा होगा इंस्टाग्राम पे मनाली की फोटोग्राफ्स, ये जहाँ पर हिल स्टेशन की फोटोग्राफ्स हैं, ये तो माइग्रेशन ही तो है। एक बार मौका मिला, यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है, गर्मी है, ह्यूमिड है, लोग पहाड़ों की तरफ निकल गए। तो माइग्रेट क्यों करते हैं कोई भी स्पीसीज? इन द सर्च ऑफ फूड या फिर बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्लोरा इन लद्दाख, तो लद्दाख इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट विद रॉक एंड अनइवन टेरेन। द हार्श क्लाइमेट एंड द लो टेम्परेचर लिमिट द नंबर एंड द टाइप ऑफ द वेजिटेशन फाउंड हेयर। तो आप देखेंगे कि हार्श क्लाइमेट है तो वहां पर ऐसे प्लांट नहीं मिलेंगे जो इजिली सर्वाइव कर पाए, बहुत ही डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। एंड द लो टेम्परेचर लिमिट द नंबर, तो जब ठंडा एरिया होगा तो वहां पर सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी। इफ देर इज नो सनलाइट व्हाट डज इट मीन? जब सनलाइट नहीं है तो क्लोरो कैसा काम होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कैसा बनेगा, तो सर्वाइव नहीं कर सकते। देर आर सर्टेन नैरो वैलीज इन द रीजन विच आर क्वाइट फर्टाइल। कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर थोड़ी फर्टिलिटी देखने को मिलेगी लेकिन ज़्यादा अपने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं? फॉर प्लिंथ एंड फ्लोर स्टोन मशीनरी विद मड मोर्टार और द सीमेंट मोर्टार फिनिश यूज किए जाते हैं। तो आप प्लिंथ के लिए क्या करेंगे, एक पत्थर डाल दिए जाते हैं, पत्थर का लेवल बना के देखा जाता है। वॉल्स कैसा बनी होती हैं? अनबर्ड ब्रिक्स मशीनरी विद मड मोर्टार एंड काउ डंग फेस, मतलब गाय के गोबर से उसको फिनिश किया जाते हैं, और नॉर्मली क्या होती है अनबर्न, मतलब कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। फॉर सीलिंग एंड रूफ वुडन प्लैंक्स एंड ट्विग्स विद अ लेयर ऑफ द ड्राई गैस कवर्ड विद मड। ठीक है, अगर हम बात करें कोल्ड एंड क्लाउडी की, तो मतलब ठंडा भी है लेकिन सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, क्लाउडी रहता है नॉर्मली। सच क्लाइमेट प्रिवेल्स इन कश्मीर, सिक्किम, अपर पार्ट ऑफ असम, हाई इन हिल स्टेशन फ्रॉम द साउदर्न इंडिया। जहां पर आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे नॉर्मली ऐसा ही मिलेगा। श्रीनगर, शिमला, डलहौजी आर द बेस्ट रिप्रेजेंट बाई दिस क्लाइमेट। लोकेटेड एट शिमला एट अराउंड 2 किलोमीटर, दैट इज 200 मीटर्स अबव सी लेवल, मिडिल हिमालय, द क्लाइमेट रिक्वायर बिल्डिंग टू बी हीटेड थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती है तो ऐसी आर्किटेक्चर चाहिए होगा, वर्नेक्युलर आर्किटेक्चर शुड बी लाइक दिस, जो उसको गर्म कर सके, उस एरिया को हीटेड कर सके। ठीक है, सो दिस मड एंड बैम्बू वॉल फॉर अपर फ्लोर एंड फॉर द ग्राउंड फ्लोर ब्रिक ऑन बैम्बू रूफ इज आउट ऑफ द थिक स्टोन स्लैब कंट्री टाइल्स रूफ ओवर हैंगिंग फ्रॉम ऑल द साइड प्रोटेक्ट द कोर स्पेस इफेक्टिवली। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, और
मैं चाहता इसको आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, कच्चा घर क्या होता है, पक्का घर क्या होता है। देखो कच्चा मिट्टी का मतलब सुना होगा आपने नाम कच्ची मिट्टी का, मतलब क्या है कि उसको हम किल नहीं करते हैं, उसको हम पकाते नहीं हैं मिट्टी को, तो कच्ची मिट्टी बोली जाती है। पक्का घर क्या होता है, जो हमारी जो किल जो ब्रिक्स होती हैं, बंड ब्रिक्स होती हैं, लाल रंग की जो ब्रिक्स होती हैं, अगर उसके थ्रू हम घर बनाते हैं उसको बोलते हैं पक्का घर। ठीक है, तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर आप समझिए। आई नो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ आपको ट्राई नहीं किया बताने का, लेकिन आप मेरी तरफ समझ रहे हो कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ अगर मैं छेड़ता हूँ ना किसी बात के लिए तो मुझे समझाने में बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आप इसको फिलहाल ऐसे मैनेज करो, ऑल दो अगर कभी मौका मिला शायद आपका बहसों खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कवर अप पक्का कराऊंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इकोलॉजी हो गया, वर्नेकुलर आर्किटेक्चर, किसी एरिया में जाकर पढ़ना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग आर्टेक में लेते हैं आर्किटेक्चर में एडमिशन, बस उसको इसलिए पढ़ते हैं कि नंबर चाहिए होते हैं, सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट्स। खैर आप अभी इसको फिलहाल मैनेज कर लो, और अभी टाइम कम है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी चर्च मॉस्क टेम्पल आर्किटेक्चर की, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको फ्लोर प्लान जो आए थे प्लान बेस्ड क्वेश्चन की कुछ स्लाइड्स बनाकर आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।